नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पहले चंद्रमेढ़ा के लगभग 34 करोड़ लागत के प्रतापपुर से भैयाथान राज्यमार्ग के उन्नयन व नवीनीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। इसके बाद करौटी में नवीन प्रस्तावित धान खरीदी केंद्र का स्थल निरीक्षण किए और साथ ही चेंद्रा के सुखनैया पारा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ ग्रामीण अपने विधायक को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखे। संसदीय सचिव ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का निराकरण तत्काल किया और की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से राजस्व संबंधी फावदी की शिकायत मिली, जिसके बाद संसदीय सचिव ने पटवारी को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर सभी के फावदी संबंध कार्य हो जाने चाहिए, जिसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। संसदीय सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सोच है कि गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, क्योंकि गाँव विकास करेगा तो प्रदेश विकास करेगा। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज चंद्रबढ़ा में कार्यक्रम था, प्रतापपुर से भैयाथान पहुंच मारे के रोड का भूमि पूजन का कार्यक्रम। इसके बाद वहां के बाद करौटी धान खरीदी केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर धान खरीदी केंद्र खोलना है। तो वहां पर जो बातें आई जमीन की, ज़मीन में लोग काबिज भी हैं पर गांव वाले चाहते हैं कि वहीं पर खुले। मैंने कहा है कि आपसी सहमति बनाकर उसको सहमत कराएं ताकि कोई विवाद न रहे। और वहां के बाद चेंद्रा सुखनैया पारा में प्राथमिक शाला में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में आने के बाद यहां की जो समस्याएं देखने को मिला, एक तो फौती बहुत लोगों का है, फौती नहीं चढ़ पाया है। दूसरा स्कूल की जर्जर है, शौचालय के विशेष शिकायत हुआ, महिला बाल विकास विभाग का भी शिकायत हुआ। तो मैं अभी तक जितना दौरा किया उससे सबसे ज़्यादा इस ग्राम पंचायत में शिकायत सुनने को मिला। आपके द्वारा पटवारी को भी चेतावनी दिया गया है? पटवारी विशेष तौर पर यहाँ की जो राज्यों से संबंधित जो शिकायतें हैं, बंटवारा हो, फौती हो, फौती का शिकायत नहीं आना चाहिए, पर फौती कैसे तक शिकायत है, बंटवारा तो समझ में आ रहा है, हो सकता है लेट है या आपसी तालमेल के अभाव में है, पर फौती जैसा अगर नहीं रहेगा तो उसको निर्देशित करना ही पड़ेगा और कार्रवाई नहीं, काम नहीं करेगा तो कार्रवाई भी होगा। तो हमने कार्रवाई के लिए बोला है कि समय सीमा पर काम नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई भी होगा, उसके लिए तैयार रहें।